दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मीट में। दोस्तों आज हम फिर से करंट जीके के कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है गोल्डन ग्लोब 2019 का बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता। तो दोस्तों इसका जवाब है हॉलीवुड एक्टर रामी मालेक। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है शशिकांत दास हाल ही में रिजर्व बैंक के कौन से गवर्नर पद पर नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों इसका जवाब है 25वें गवर्नर के पद पर। दोस्तों इसके पहले आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल थे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य एवं कहां संपन्न हुआ। तो दोस्तों इसका जवाब है भारत व अमेरिका के मध्य, तथा यह युद्धाभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग बीकानेर में हुआ था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान में हुए चुनावों में किस विधानसभा सीट पर चुनाव स्थगित करना पड़ा। तो दोस्तों इसका जवाब है रामगढ़ अलवर में, बसपा प्रत्याशी के निधन हो जाने के कारण यह चुनाव स्थगित करना पड़ा था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का चतुर्थ चरण कब से शुरू किया गया। दोस्तों इसका जवाब है 3 अक्टूबर 2018। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है देश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका जवाब है सुनील अरोड़ा। दोस्तों ये ओपी रावत का स्थान लेंगे। दोस्तों हमारा अगला सवाल है भारत के गणतंत्र दिवस 2019 के समारोह में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य अतिथि कौन होंगे। दोस्तों इसका जवाब है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामफोसा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना कब शुरू की गई। दोस्तों इसका जवाब है 6 अक्टूबर 2018। दोस्तों इस योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल तक के बच्चों बालिकाओं और गर्भवती महिलाओं को 3 दिन तक सप्ताह में दूध दिया जाएगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है हाल ही में विश्व का पहला जैविक राज्य बना है। तो दोस्तों इसका जवाब होगा सिक्किम। दोस्तों सिक्किम भारत के साथ साथ विश्व का भी पहला जैविक राज्य बन गया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है भारत का 25वां उच्च न्यायालय किस राज्य में स्थापित हुआ है। दोस्तों इसका जवाब है आंध्र प्रदेश। दोस्तों हमारा अगला सवाल है G20 शिखर सम्मेलन 2018 किस देश में आयोजित किया गया। दोस्तों इसका जवाब है अर्जेंटीना। दोस्तों G20 देशों का यह 13वां शिखर सम्मेलन था। दोस्तों हमारा अगला सवाल है हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 6 गोल्ड जीतने वाली दुनिया की पहली महिला बॉक्सर कौन बनी है। दोस्तों इसका जवाब है भारत की MC मैरीकॉम। दोस्तों हमारा अगला सवाल है शांति का नोबेल पुरस्कार 2018 के लिए किसे चुना गया है। तो दोस्तों दो लोगों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है, कांगो के डेनिस मुकवेगे और इराक की नदिया मुराद को। दोस्तों हमारा अगला सवाल है हाल ही में भारत में आयोजित हुए पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का शुभंकर क्या था। तो दोस्तों इसका जवाब है ओली। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।